हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। मैं हूँ दीपा ठाकुर। आप लोग मेरे चैनल को सबसे पहले ज़रूर सब्सक्राइब करिए ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के बारे में आपको जानकारी मिलती रहे। आज मैं आपको बताने जाने वाली हूँ पॉकेट वाली एक सैंडविच की रेसिपी। तो ये आपको सुनने में ही थोड़े अलग लगेंगे, इसका तरीका भी अलग है। आप लोग देखिए कैसे बनते हैं। तो इसके लिए हमें ब्रेड चाहिए। ब्रेड को हमको ऐसे स्क्वायर टाइप में काट लेना है, या राउंड काट सकते हैं, या आपके पास स्टार शेपर हो तो उससे काट सकते हैं। उसके बाद हम लोग लेते हैं टमाटो सॉस, दूध जो कि 2-3 चम्मच लिया है, ये रिफाइन ऑयल लिया है मैंने, रिफाइन ऑयल या आप जो भी ऑयल पसंद करती हो या खाती हो आप वो ऑयल ले सकते हैं। उसके बाद हम लोग लेते हैं ये ग्लास और चम्मच फेंटने के लिए, फिर शिमला मिर्च बारीक कटा हुआ, प्याज, टमाटर और हरी मिर्च, ये सारे सामान को हम लोग ले लेंगे, एकदम बारीक काट लेंगे, और चाट मसाला और काला नमक। मैं अपने ऑमलेट में काला नमक इस्तेमाल कर रही हूँ। आपको अगर सादा नमक पसंद हो आप वो भी इस्तेमाल कर सकते हैं। हम लोग जो अब इसके बाद क्या करते हैं, ब्रेड पे जो है जो स्क्वायर काट के मैंने रखा था उसके ऊपर जो है हम वो लगाएंगे टमाटो सॉस। टमाटो सॉस लगाने के बाद आप चाहें तो इसको बिना टमाटो सॉस के भी इस्तेमाल कर सकती है, बट टमाटो केचप का जो फ्लेवर होता है जिनको पसंद है वो ज़रूर इसको इस्तेमाल करेंगे। इसके बाद हम लोग पैन में तेल गरम करते हैं। थोड़ा सा तेल लेना है हमको, 1 से 1.5 चम्मच। उसके बाद हम लोग एक ग्लास में सारी सब्जी को डाल देंगे। सारी सब्जी को इस तरीके से आप थोड़ा थोड़ा लेके ग्लास में डाल लीजिए। उसके बाद में हल्का सा दूध डालिएगा, 1/2 चम्मच के आसपास। मैं आपको आगे बताऊंगी कि दूध डालने का क्या फ़ायदा है। फिर हल्का सा चाट मसाला, हल्का सा काला नमक डालना है। उसके बाद में इसमें मैंने 2 अंडा डाला है। आप याद रखिएगा ब्रेड के साइज़ के हिसाब से आप अंडे को लीजिएगा। अगर आपका ब्रेड बड़ा हो तो एक अंडे का इस्तेमाल कर सकती है, छोटा हो तो 1 अंडे में 2 सैंडविचेस भी बन जाता है। मेरा मीडियम साइज़ का वो है ब्रेड, तो इसीलिए आप पहले तेल को गर्म कर लीजिए पैन में। इस तरीके से 1.5 चम्मच डाल के मैंने गर्म करना स्टार्ट किया था, मैं आपको फिर से दिखा रही हूँ। उसके बाद हम ब्रेड इसमें रख रहे हैं। ब्रेड को इस तरीके से रखना है कि एक हम लोग ज़्यादा देर ब्रेड को नहीं सेकेंगे, थोड़ा सा रखेंगे ताकि गर्म हो जाए क्योंकि तेल हमारा गर्म है। और इस तरीके से सब्जी को लेते हुए हमको इसके अंदर फिलअप करना है। अगर जैसे ये एग वाला जो पार्ट है वो अगर आपका कटा रहता है, लीक भी हो जाता है, तो कोई बात नहीं, आप उसको ऊपर से डाल सकते हैं। ये देखिए इस तरीके से दिखेगा आपको। ये हमारा जो सॉस वाला पार्ट है वो जो दूसरे साइड का बचा दिख रहा है आपको, उसके ऊपर इस तरीके से चमका देंगे और फिर हम पलटेंगे। और ये मेरा हो गया, पलट रही हूँ। ये देखिए किस तरीके से आपको देख रहे हैं, चारों साइड से जो फ्लफी टाइप का है वो आपको दूध की वजह से ऐसा लुक आ रहा है, बहुत ही टेस्टी लगता है, क्रंचेस होता है। ये इस तरीके से दिखेंगे आपको ऐसे। और ये देखिए ये पॉकेट टाइप का एक शेप आ गया, इसीलिए हम लोगों ने इनका नाम पॉकेट वाला सैंडविच रखा है। और हम इसका ये जो पार्ट बचा हुआ ब्रेड का इसका इस्तेमाल करने के लिए इसके ऊपर डाल रहे हैं। आशा करते